हेलो तो दोस्तों, दोपहर का है मौसम और धूप बहुत ज्यादा लगी हुई है। मतलब एकदम चढ़ाक पड़ी घाम की, इतना घाम लगी कि मेरे सांप भी डर हुए हैं। लो तो ची यार के बुलाना अपना खोपड़ी से धुआं निकल रहा था, मैंने सोचा यहाँ थोड़ा सा सांप वगैरह बांध के एडजस्ट कर लेता हूँ मौसम के साथ, क्योंकि मौसम के साथ किसी भी प्रकार का वो नहीं, पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना फिर उत्तराखंड में ऐसी ऐसी आपदाएं आती है कि आपको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। फिर तो मैं हूँ अभी एकदम धूप में, तो आप सोच रहे होंगे यार ये पागल है, जो इतनी ज़्यादा धूप लग रही है तो धूप में बैठा क्यों है। तो उसका एक रीज़न है कि गेहूँ सुखाने के लिए डाल के थे मम्मी ने, और बहुत ज़्यादा बंदर आ रखे, तो उनकी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड बैठ रखा हूँ। तो मुझे किस प्रकार का इंटरटेनमेंट करूँ, एक गाना सुना देता हूँ आपको, क्योंकि मैं जितनी भी मेरी कसर होती है ना लोगों को नहीं सुना सकता, मैं यहीं पे अपनी ये सारी फरमाइशें निकाल देता हूँ यूट्यूब में, और अपना जितना भी शौक है इसी में कर देता हूँ पूरा। तो गाने के बोल इस प्रकार हैं, अगर किसी को थोड़ा सी भी ठेस पहुँचे तो बुरा ना मानिए, जिसको पहुँचना चाहिए वो मान ले, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, इस प्रकार की बोल है, और मैंने जरा इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, अभी मेरे दिमाग में आया था ये, तो मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई इस प्रकार करता हूँ कि तुम तो ठहरे बिजनोरी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे बिजनोरी, साथ क्या निभाओगे, तुमको जब अकेले में मेरी याद आएगी, और तुमको जब अकेले में मेरी याद आएगी, टुकड़े 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 करके तुम्हारे कुत्तों को खिला दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे कुत्तों को खिला दूंगा मैं। तुम तो ठहरे यूपी वाले, साथ क्या निभाओगे, हमको जब तुम्हारी याद आएगी, कभी नहीं आएगी, तो क्या कह रहा था मैं, तुम तो मर जाओ रे, ना तुम्हारी जरूरत मुझे, तुमसे मन लगाना है। तो कैसे लगा आप सबको ये वाला गाना? अच्छा था। मुझे तो बहुत ज्यादा सुकून मिला, ठीक है, ये गाना गा के मैंने जो भड़ास निकालते अपने दिल की वो निकाल दी, और मुझे ये गाना तो एकदम यार परफेक्ट लगा। तो बाकी आपको कैसा लगा, पके तो नहीं ना, तो बहुत ज्यादा लग रही है, और बंदर है बहुत ज्यादा आ रखे, तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा गांव का नज़ारा, बिखेर दिए हैं बंदरों ने, और मौसम बहुत ज़्यादा साफ है एकदम, धूप बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और ये सब हाल क्या है यहाँ गांव में बंदरों ने, ये तुम देख सकते हो, पूरे खेतों में बंदर ही बंदर है, और ये गेहूं की फसल है जो बंदरों ने अभी पूरी कर दी है ख़राब। हाँ ख़राब ही है, एक किस्म से बंदर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारी फसल तोड़ वगैरह के बर्बाद कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बंदर आ जाते हैं मेरे गांव में सुबह से। तो ये बंदरों की भूमि देवस्थली, और इन चीज़ों से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि यार अगर तुम जंगल काट दोगे, तो बंदर जाएंगे कहाँ, आएंगे तो गांव में ही ना, तो इसलिए जंगलों को बचाओ, जंगलों में पेड़ पौधे लगाओ अच्छे खाने के लिए, फल फूल वगैरह के, मतलब जैसे आड़ू हो गए, ठीक है, ये अमरूद टाइप के, तो इन चीज़ों के पेड़ लगाओ, तो ताकि बंदर भी अपने भोजन की तलाश में गांव गांव में ना भटके, और जंगलों में ही अपना वो करे, क्या बोलते हैं उसके लिए, मतलब निवास स्थान, जंगलों में ही अपना आगमन करे, गांव में ना आए, मतलब जंगलों में ही रहे, तो हमारे भी गांव में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और हम भी एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। और यूँ धूम में तो यार नहीं रहना पड़ेगा, अभी मैंने सोना था, ये सोने का टाइम था मेरा, पर मैं बंदरों की वजह से भी जाग रहा हूँ और सुरक्षा कर रहा हूँ अपनी गेहूं की। तो जंगल बचाओ, कल एक पेड़ लगा के आता हूँ मैं अमरूद का, और वो 4 साल बाद मेरे ख्याल से उसमें अमरूद लग जाए, तो 4 साल बाद इधर बंदर ना आए,
तो एक अमरूद का पेड़ मैं लगाता हूँ और बाकी मेरे गांव वाले एक एक अगर सभी लगाए तो मेरे गांव में नहीं आएंगे बंदर। तो आप बताइए आप किस चीज़ का पेड़ लगाओगे अपने जंगल में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। अगर नहीं आए तो देन अगले दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के लिए एकदम मैं हूँ बढ़िया और आप लोग भी एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय।